हेलो फ्रेंड्स नमस्कार एंड वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस मैं हूं कोमल नाहटा शुक्रवार को केवल एक बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी और वो थी तमाशा लेकिन इसके कलेक्शंस उतने बड़े नहीं थे जितना कि ट्रेड को चाहिए था या फिर जितना पब्लिक ने सोचा होगा एक्चुअली पब्लिक ने नहीं सोचा था इसी वजह से इस फिल्म को ओपनिंग वो नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए थी आखिर इसमें रणबीर कपूर और दीपिका पाडुकोन है इसकी डायरेक्शन की है इम्तियाज अली ने और इसका म्यूजिक दिया है ए आर रहमान ने सो ऑल टॉप नेम्स और इससे पहले रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म ये जवानी है दीवानी ने तो बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए थे लेकिन आफ्टर दैट रणबीर कपूर हैज नॉट हैड अ वेरी गुड इनिंग्स एट द बॉक्स ऑफिस बॉम्बे वेल्वेट रॉय बेशरम लाइन से लगातार उनकी फ्लॉप्स आई हैं और इस वजह से भी इस फिल्म को वो ओपनिंग नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए थी एक और कारण था अच्छी ओपनिंग या ग्रेट ओपनिंग नहीं मिलने का और वो था ए आर रहमान का संगीत हालांकि गाने अच्छे हैं फिल्म में लेकिन उतने पॉपुलर नहीं हुए और एक लव स्टोरी में जब तक म्यूजिक सुपरहिट ना हो जब तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर ना हो उस फिल्म को ओपनिंग क्स्ट्राडनरी नहीं मिलती और इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ तो इस फिल्म को ओपनिंग फर्स्ट डे की ओपनिंग थी दस करोड़ लाख लाख करोड़ दीपिका पाडुकोन रणबीर कपूर की फिल्म है तो वन हैड एक्सपेक्टेड फिगर एक्चुअली वुन एटलीस्ट की बात हैं तो ये नेट ऑल इंडिया कलेक्शन का टोटल है इंडिया का टोटल है टेन करोड़ एंड एटी फाइव लैक ऑन द फर्स्ट डे सेकंड डे सैटरडे को कलेक्शन बढ़ गए सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में कलेक्शन कम हो गए लेकिन मल्टीप्लेक्सेज में अच्छी इंक्रीज देखने को मिली एंड वैसे भी ये फिल्म सिंगल स्क्रीन सिनेमाज की है ही नहीं इट इज अ क्लास अपीलिंग फिल्म और सैटरडे का टोटल हुआ तेरह करोड़ पंद्रह लाख सो टेन करोड़ एटी फाइव लाख थर्टीन करोड़ फिफ्टीन लाख एंड संडे को कलेक्शंस और भी बढ़ गए बट जितना इंक्रीज होना चाहिए था उतना इंक्रीज देखने को नहीं मिला संडे को एंड संडे नेट ऑल इंडिया टोटल वॉज इन द रीजन ऑफ फोर्टीन करोड़ एंड ट्वेंटी फाइव लैख तो इस प्रकार पहले वीकेंड का टोटल था करीब अड़तीस करोड़ पच्चीस लाख आइए अब इस फिल्म के इकोनॉमिक्स की बात करते हैं इस फिल्म के बनने में प्रमोट होने में रिलीज होने में यू के करीब करोड yes, 105 करोड़ लग गए येस इट्स अ वेरी वेरी बिग फिगर बट दैट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ द फिल्म दैट इज द कॉस्टिंग ऑफ द फिल्म 105 करोड़ इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ यू अब इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स जब बिकते हैं पंद्रह या बीस करोड़ मिल सकते हैं सो लेट्स काउंट इट एज ट्वेंटी करोड़ ट्वेंटी करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम सैटेलाइट राइट्स एंड सैटेलाइटली टेन गॉट फ्रॉम द सेल ऑफ ऑडियो राइट्स तो ट्वेंटी प्लस टेन इज थर्टी करोड़ एक सौ पांच करोड़ में से थर्टी करोड़ ऑलरेडी नॉन थिएट्रिकल रेवेन्यू से आ चुके हैं दैट मीन्स बचते हैं पिचहत्तर करोड़ रुपए अब ये पिचहत्तर करोड़ ओवरसीज और इंडिया से रिकवर करने हैं फ्रॉम ओवरसीज एंड इंडिया थिएट्रिकल राइट अगर हम ओवरसीज का शेयर 10 से 15 करोड़ भी पकड़ते हैं विच इज क्वाइट अ गुड फिगर पंद्रह करोड़ अगर हम कम करते हैं फ्रॉम पिछहत्तर करोड़ तो बचते हैं साठ करोड़ और साठ करोड़ का शेयर इंडिया से बनना यानी दे हैव टू डू अ नेट रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 130 करोड़ 130 से 135 करोड़ अगर ये फिल्म करती है तो जाके ब्रेक इवन होता है लेकिन

हाई एंड मल्टीप्लेक्सेज में इसके कलेक्शन बहुत अच्छे रहे हैं लेकिन सिंगल स्क्रीन सिनेमाज़ में दिस फिल्म इज नॉट फेयड वेल एंड सिंगल स्क्रीन सिनेमाज़ के कलेक्शंस कई जगहों पर सैटरडे को ड्रॉप हो गए थे फ्राइडे भी कम थे और सैटरडे को तो और भी कम हो गए थे और आज देखा जाए तो सिंगल स्क्रीन सिनेमाज़ में बहुत बहुत गिर गई है फिल्म एंड हाई एंड मल्टीप्लेक्सेज में इट इज़ मेंटेनिंग रीजनेबली वेल लेकिन अदरवाइज इट इज़ नॉट एज इफ द कलेक्शन आर रॉक स्टडी तो शायद यह सौ करोड़ का क्लब नहीं ज्वाइन करेगी इनफैक्ट देर सीम्स टू बी अ वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी के सौ करोड़ भी पहुंचे एंड 130 टू 135 करोड़ इज द ब्रेक इवन पॉइंट तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान होगा इस फिल्म में यू को यू की प्रोडक्शन वेंचर है यूटी हैज प्रोड्यूस दिस फिल्म विद साजर नड्याडवाला तो प्रोड्यूसर्स को डेफिनेटली नुकसान होगा ही तो दोस्तों ये तो हुई बातें वीकेंड बिजनेस की और इकोनॉमिक्स ऑफ तमाशा की आइए बात करते हैं कुछ सिनेमा वालों से और उनसे जानते हैं कि उनके सिनेमाघरों में तमाशा ने वीकेंड में किस प्रकार का बिजनेस किया तो सबसे पहले हमारे साथ हैं मिस्टर एस के पाटनी लोकल फिल्म रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अजमेर वो हमें बताएंगे कि अजमेर में राजस्थान के अजमेर में तमाशा ने कैसा बिजनेस किया पाटनी साहब ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस में आपका स्वागत है कोमल नहाटा बोल रहा हूँ यू अ वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग कोमल जी पार्टी साहब मुझे ये बताएं कि तमाशा का वीकेंड का बिजनेस अजमेर के सिनेमाज, सिंगल स्क्रीन सिनेमाज और मल्टीप्लेक्स में कैसा रहा कोमल जी जैसे उम्मीद की जा रही थी कि तमाशा से बहुत बड़ा इनिशियल आने की जरूरत है पर वैसा कुछ हुआ नहीं अच्छा सिंगल स्क्रीन सिनेमा के तो बेहद हाल खराब है ओके मृदंग सिनेमा में ये लगी है जहाँ की सात सात आठ आठ लाख के वीक आ जाते हैं पर इस पिक्चर का तो लाख रुपए से ज्यादा वीक नहीं नजर आता है ओम गॉड और बाकी ठीक है मल्टीप्लेक्स में कल संडे का दिन थोड़ा बहुत अच्छा रहा हाँ। पर फिर भी वो अच्छा नहीं कहा जा सकता कुल मिला के फिल्म है।, है।, बिल्कुल, बिल्कुल। ओ, 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 है तो आज तो फाल डेफिनेट आना ही था हाँ। आया भी है क्योंकि ये सिलेक्टेड ऑडियंस की फिल्म है पूरा देशी मनोरंजन नहीं है इसमें बिल्कुल सही उस वजह से पिक्चर का बिजनेस डाउटफुली ही रहेगा

ठीक है बढ़िया है और सैटरडे को इस मूवी ने हमारे यहाँ बिजनेस किया करीब 82 परसेंट ओके और संडे को इसका जो ऑक्यूपेंसी थी दैट कम्स अराउंड 80 परसेंट अच्छा तो 65 5 82 80 या अच्छा कितने शोज दिए हैं आपने हमारे यहाँ टोटल 29 नाइन शोज है ट्वेंटी शोज ओके ओके आपको नहीं लगता है कि फ्राइडे को करीब एटी एटी होना चाहिए था

चलिए वेरी गुड थैंक यू थैंक यू और अब हमारे साथ है समदरिया ईरा मल्टीप्लेक्स जबलपुर के मिस्टर मनोज कुमार मनोज जी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड विश यू वेरी गुड इवनिंग कोमल नहाटा बोल रहा हूँ गुड इवनिंग सर हाव यू बस मनोज जी मुझे ये बताएं कि तमाशा ने आपके मल्टीप्लेक्स में कैसे परफॉर्म किया सबसे पहले ये बोलिए कि कितने शोज दिए हैं आपने तमाशा को तमाशा तो जो, हम, okay. जो हमारी सारे, सारे शोस सब बड़ी में थी, तो शोस हमने को थे करेक्ट और उन एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरी या नहीं फर्स्ट शो जो था जिस दिन फिल्म रिलीज हुई फ्राइडे मॉर्निंग द फर्स्ट शो इट वाज हंड्रेड परसेंट तो हमें लगा था पिक्चर चल जाएगी बहुत अच्छा करेगी जैसे जैसे दिन बढ़ता रहा फिल्म में टॉप आता जिया, आता जिया, लोगों तो बहुत था, तो बहुत तो 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 ही अजीब सा लगा, लोग नहीं तो छोड़कर भी जाने लगे। अच्छा। थोड़ा थो, फिर था। 40 से ओपनिंग करी थी तो फ्राइडे देखे पूरा डे टोटल इट वॉज अटैन सैटरडेट वॉज अराइव परसेंट संडे जो संदे को बड़े होंगे हाँ संडे ऑलमोस्ट जो हमारा हंड्रेड परसेंट जाता है हा। हा, फिल्म बड़ी फिल्मों के लिए वो 65 टू 70% पर ही रुक गया था अच्छा तो और आज मंडे तो इट वाज मॉर्निंग शो इट वाज 25% ओपनिंग हुई है फिर सब शो ऐसे चल रहे हैं और शाम होते-होते तो, तो वेरी बहुत ज्यादा ड्रॉप आ गया है मतलब वीकेंड में जो हुआ वो हुआ अब इट्स जस्ट अ डाउनवर्ड अब तो यू नहीं लगता अब कमिंग 3 डेज फिल्म ड्रॉप ही रहेगी ओके 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 चलिए थैंक यू थैंक यू मनोज जी शुक्रिया और तमाशा के बारे में आइए अब बात करते हैं फिल्म के एक्सपेंडिचर की खासकर फिल्म में जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है उस बारे में उस विषय में आपने कई फिल्में देखी होगी जिसमें आपको फिल्म देखने के वक्त ऐसे लगता है कि आखिर इतना खर्चा किया क्यों क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स ऑफ अ फिल्म जितनी लागत है उतनी रिकवर होनी जरूरी है तब जाके ब्रेक वन पॉइंट मीट होता है उसके ऊपर अगर कोई फिल्म बिजनेस करती है तो इट्स अ प्लस फिल्म इट्स अ प्रॉफिटेबल वेंचर उससे नीचे करती है तो इट्स अ माइनस फिल्म इट्स अ लॉस मेकिंग वेंचर एंड देर फो द नीड टू मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर ताकि द ब्रेक इवन पॉइंट इज रीच्ड फास्ट अब हाल ही में रिलीज हुई तमाशा को ही देख लीजिए एक पोर्शन है तमाशा का जो जापान में शूट हुआ है एंड माइंड यू दिस पोर्शन हैज एक्चुअली बीन शॉट इन जापान बहुत से फिल्म देखने वालों ने यह कहा है कि जापान जाने की जरूरत क्या थी आफ्टर ऑल जापान जाना कोई ईजी बात नहीं है कोई सस्ती बात नहीं है जापान सिर्फ वो आर्टिस्ट नहीं गए या सिर्फ वो आर्टिस्ट और डायरेक्टर नहीं गए पूरा यूनिट गया होगा तो इट एंटेल्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ट्रैवलिंग स्टे ओवर दर शूटिंग ओवर दर तो बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करके जापान की शूटिंग की होगी लेकिन आपको फिल्म देखते वक्त ऐसे लगता है कि ये शूटिंग कोई भी और जगह भी की जा सकती थी ऑफ कोर्स एक रीजन है कि द डायरेक्टर वांटेड ऑथेंटिसिटी बट ऑथेंटिसिटी एट व्हाट कॉस्ट कॉस्ट को नजर में रखना बहुत जरूरी होता है बिकॉज आफ्टर ऑल द रेवेन्यूज आर गोइंग टू बी कंपेयर्ड विद द कॉस्ट टू अराइव एट द प्रॉफिट और द लॉस और द ब्रेक इवन पॉइंट और इसलिए कॉस्ट को मिनिमाइज करना बिकम्स द बाउंड ड्यूटी मॉरल ड्यूटी ऑफ एवरी डायरेक्टर लेकिन इस फिल्म की जो जापान की शूटिंग हुई है फिल्म देखते वक्त ऐसा लगता है कि अगर जापान को फेक किया जाता तो भी चल जाता बिकॉज इट वॉज जापान वैसे ही कुछ समय पहले बॉम्बे बेलव रिलीज हुई थी अब बॉम्बे बेलव में 100 करोड़ से अधिक खर्चा हुआ था तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसी क्या बात थी द स्क्रिप्ट डिड नॉट डिमांड द काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर देंट इन टू द मेकिंग ऑफ द फिल्म इससे पहले भी पीरियड फिल्म बनी है जिसमें इतना खर्चा नहीं हुआ है एंड फाइनली

देखना पड़ता है कि यूनिवर्सली अपीलिंग है या सेक्शनल अपील वाली फिल्म है प्लस उस स्टार की स्टैंडिंग उस वक्त क्या है तो बॉम्बे बेलबेट में भी जो पूरा एक फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय किया था श्रीलंका में और वहां पर पूरा रिक्रिएट करने के लिए पूरा मुंबई या इंडिया ऑफ देंट टाइम्स को रिक्रिएट किया था नाउ देर वॉज नॉट मच नीड फॉर दैट काइंड ऑफ अ सेट इससे कम सेट्स होते तो भी बात बन जाती ऑफकोर्स अनुराग कश्यप से अगर बात की जाए तो ही वुड हैव हिज ओन है लेकिन हम प्योरली कमर्शियल टर्म्स में बात कर रहे हैं एंड वन हैज टू वे वन हैज टू डिसाइड एक बहुत ही रैशनल डिसीजन लेना पड़ता है कि अपील कितनी है उस सब्जेक्ट में एंड हमारी कॉस्ट क्या होनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द ब्रेक इवन पॉइंट को रीच किया जाए इफ पीपल डोंट पे हीड टू सच थिंग्स देन ओवर बजट हो जाती है फिल्म या बजट इंक्रीज हो जाता है एंड दे फो इट बिकम्स दैट मच मोर डिफिकल्ट टू रीच द ब्रेक इवन पॉइंट तमाशा के साथ भी ऐसा ही है एंड बॉम्बे वेलवेट के साथ तो बहुत ज्यादा खर्चा किया गया था अगर बॉम्बे वेलवेट शायद हाफ द कॉस्ट में बनती तो देन यू कैन इमेजिन कि लॉस कितना कम हो जाता ऑफ कोर्स इट वुड हैव फुड अ लॉस मेकिंग फिल्म बिकॉज बेसिकली वो फिल्म रिजेक्ट हो गई थी लेकिन स इट वु रिमेड लॉस मेकिंग फिल्म क्योंकि बॉम्बे को पसंद ही नहीं आई वो सब्जेक्ट ही लोगों को समझ में नहीं आया या पसंद नहीं आया बट लॉस का amount कम हो सकता था एट प्रेजेंट बॉम्बे वेल्बेट इज काउंटेड एज अ कलोसल फ्लॉप लेकिन अगर कंट्रोल्ड बजट में बनती अगर वो बजट शायद 50% हो जाता तो इट वुड नॉट हैव प्रोबेबली बीन टर्म्ड लूजिंग फिल्म और अ फ्लॉप फिल्म यानी कि प्रोड्यूसर का नुकसान या कॉरपोरेट हाउस जिसने उस फिल्म को बैक किया उनका नुकसान फार फार लेसर हो सकता था सो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एट द टाइम ऑफ बजटिंग तभी कट कर देना चाहिए एक्चुअली सालों पहले सुभाष घाई ने शोमैन सुभाष घाई प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुभाष घाई ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी विच हैज प्रॉबेबली मोर एलिवेंट टूडे बिकॉज आजकल फिल्मों के बजट इतने इंक्रीज हो गए हैं दैट वन नीड्स टू कीप दिस कमेंट ऑफ सुभाष घई इन माइंड सुभाष घई ने उस जमाने में सालों पहले करीब 15-20 साल शायद 25 साल पहले ये बात कही थी कि फिल्म के सेट्स जब हम बनाते हैं वन नीड नॉट स्पेंड अ फॉर्चून यस यू मस्ट मेक इट अपियर एज दो अ लॉट ऑफ मनी हैज गॉन इनटू द मेकिंग ऑफ दो सेट्स आपको ये इल्यूजन क्रिएट करना है कि आलीशान सेट है लेकिन आलीशान सेट बनाने के लिए आपको करोड़ों रुपए नहीं खर्च करने चाहिए बिकॉज आफ्टर ऑल अ फिल्म इज एन एल्यूजन इट्स अ मेक बिलीव वर्ल्ड आपको ऑडियंस को उस वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट करना है लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर दस करोड़ के सेट की जरूरत है आप दस करोड़ ही खर्च करें आप शायद दो करोड़ में वो सेट बना सकते हैं और उसको ऐसे पेश कर सकते हैं कि वो दस करोड़ का सेट स्क्रीन पर आने पर लगे

उतना कॉस्ट कम हो सकता है और उतनी ही जल्दी एक फिल्म ब्रेक इवन पॉइंट पर रीच कर सकती है उतनी ही जल्दी प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हो सकती है एक फिल्म फिल्म एक्चुअली अब आप कहेंगे कि आने वाली बाजीराव मस्तानी उसके भी आलीशान सेट्स हैं तो उस फिल्म के लिए क्यों नहीं ये सोचा जाए कि इट इज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं ऐसे सिर्फ क्योंकि आलीशान सेट्स है इसलिए यह सोचना कि इट इज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर वुड बी फूल हार्डेनेस ऐसा नहीं है

क्रिएट किए हैं बनाए हैं ही हैज इंडल्ज्ड और ओवर इंडल्ज्ड ही हैज इंडल्ज्ड इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर यह कहना गलत होगा प्लस फिल्म की स्टोरी के अलावा फिल्म की कास्ट क्या है whether that cast would take the budget which is being planned for the film that is also very important also अगर एक यूनिवर्सली अपीलिंग फिल्म है तो डेफिनेटली यू कैन स्पेंड मोर लेकिन अगर सेक्शनल अपील वाली फिल्म है अगर एक फिल्म एक सेक्शनल ऑडियंस को ही टारगेट करती है देन वन हैज टू कट कॉर्नर एंड देन वन कॉन्ट स्पेंड रेकलेसली प्लस कास्ट पर बहुत डिपेंड करता है सलमान खान सलमान खान इज गोइंग थ्रू अ गोल्डन रन इन हिज करियर सलमान खान की फिल्म के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं आप एक यूनिवर्सली अपीलिंग फिल्म ही बनाएंगे सलमान खान को लेकर नोबडी इज फुलसलिंग फिल्म विद सलमान खान प्लस सलमान खान का जो गोल्डन रन चल रहा है बॉक्स ऑफिस पर यू कैन बी श्योर कि इतनी ऑडियंस तो आएगी ही उनकी फिल्म देखने के लिए तो यू कैन अफोर्ड टू स्पेंड ली ऑन अ सलमान स्टारर बट यू कान डू दैट विद अ स्टार हु इज ऑन अ स्टिकी विकेट और हु इज ऑन अ असर ग्राउंड कहने का मतलब है कि अगर उस स्टार की फिल्म वो बिजनेस नहीं कर पाती है जैसे कि सलमान खान या शाहरुख खान या आमिर खान की फिल्में करती है देन यू गो टू प्लान अकॉर्डिंगली हमारे कहने का मतलब ये है कि आजकल जो बजट्स इतने इंक्रीज हो गए हैं फिल्मों के इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू बी वेरी गार्डेड इन द स्पेंडिंग क्योंकि जितना कम स्पेंड होगा उतना कम बजट होगा और उतनी ही जल्दी एक फिल्म ब्रेक इवन पॉइंट पर रीच होगी दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में इन द मीन टाइम आपके कोई कोई सुझाव हो तो प्लीज डू राइट इन टू आपकेटवर्क डॉट कॉम एंड इफ यू एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ फिल्म उठाई अपना मोबाइल फोन टाइप कीजिए बीबिस स्पेस छोड़िए टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव पर यू कैन फॉलो ट्विटर एट ईटीसी बॉलीवुड दिस इज कोमल नाहटा यू